इधर गोवा में पाकिस्तान के विदेश मंत्री पहुंचे और उधर कश्मीर में बिलों से निकलकर आतंकी बाहर आ गए। कश्मीर के राजौरी जिले के कंडी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। सेना की ओर से बताया गया कि एनकाउंटर के दौरान हुए आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि 3 जवानों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं कुछ अन्य जवान भी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सेना के अधिकारियों ने ये भी दावा किया कि एनकाउंटर में कई आतंकवादी भी मारे जा चुके हैं, लेकिन ये आतंकी घटना ऐसे वक्त में हुई जब गोवा में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आए हुए हैं। आतंकवाद पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 टूक भी बोला कि भारत सीमा पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने सभी देशों से आह्वान किया कि आतंकवाद से मिलकर लड़ें। आतंकियों की फंडिंग को लेकर भी उन्होंने देशों को अलर्ट किया। उन्होंने कहा कि आतंकियों को जो फंडिंग होती है उसे तुरंत रोकना होगा, और ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब आतंकवाद को पालने वाले आतंकवाद के सबसे बड़े पालनहार देश पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो सामने ही बैठे थे। We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates. लेकिन हैरानी की बात तो तब होती है जब जो देश आतंक को पोषित करता है वो यहाँ पर आए और उसी के दौरे के दौरान इतनी बड़ी घटना हो जाए। लेकिन ये तो साफ है कि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं। इस तरह की घटना जब ऐसे वक्त में हो तो ऐसे देश के लिए क्या ही कहा जाए। वैसे एस जयशंकर ने महज 15 सेकंड में ही ये भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान के रवैये से भारत बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसे सबके सामने औकात भी दिखा दी। उनकी बेरुखी से साफ पता चल रहा है कि वो पाकिस्तान को बख्शने के मूड में कतई नहीं है। वहीं आपको बता दें कि सेना की उत्तरी कमान की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि उसके जवान पिछले महीने जम्मू क्षेत्र के भाटा धुरिया के तोता गली इलाके में सेना के ट्रक पर घात लगाकर हमला करने वाले आतंकवादियों के एक समूह के खात्मे के लिए लगातार खुफिया अभियान चला रहे हैं। बयान में कहा गया कि राजौरी सेक्टर में कांडीवन में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट सूचना के आधार पर यह अभियान शुरू किया गया था। तलाशी दल ने एक गुफा में छिपे आतंकवादियों के एक समूह को घेरा और इसी के जवाब में आतंकवादियों ने विस्फोट कर दिया। बयान के मुताबिक शुरुआती खबरों के अनुसार आतंकवादियों का एक समूह इलाके में फंसा हुआ है। आतंकवादी समूह में भी हताहत होने की संभावना है और अभियान जारी है। राजौरी इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी पूरी तरह से निलंबित कर दी गई है और अब देखना होगा कि इन आतंकियों को आखिर कब तक ढेर किया जाता है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।